नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। राष्ट्रहित में आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है भाजपा। हमारे देश का बंटवारा भी धर्म के आधार पर हुआ, जहां पर धर्मवाद की नींव रखी गई, जिसका खामियाजा देश आज भी भुगत रहा है। किसी भी राजनीतिक दल में इतने सुधार के लिए प्रयास नहीं किए। किसी भी देश के लिए राष्ट्रभक्ति से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों को जन्म से ही घुटी देशभक्ति की रस पिलाया जाता हो तो देश में आज कोई भी समस्या पैदा शायद ना हो। जो भी समस्या सिर उठाती है वह देशभक्ति की भावना के आगे बोनी पड़ जाती है। देश में अब तक धर्म और वोट के आधार पर राजनीति होती आई है। इस देश में धर्म राजनीति का मार्गदर्शन करता है, उसे सही राह दिखाता है। देश का प्राचीन इतिहास इस बात का गवाह है कि हर राजा अनसुलझी समस्या के समाधान के लिए धर्म गुरुओं के पास जाता था। धर्म गुरु देश और जनता का कल्याण करते थे, पर आज राजनीति धर्म को अपनी उंगलियों पर नचाती है, या फिर नचाना चाहती है। वोट की खातिर हर बुरी चीज़ की अनदेखी की जाती है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने देश में सबसे ज़्यादा राज किया, पर धर्म और जाति की दीवार को सदा खड़ा करे रखा। भ्रष्टाचार की फसल बढ़ती गई और व्यक्ति की सोच भी वैसे वैसे ही बढ़ती गई, यानी वैसे ही होती गई जैसे राजनीतिक दल चाहते थे। आरएसएस को कट्टर संघ कहा जाता है। आरएसएस धर्म की कट्टरता की बात नहीं करता, वह किसी धर्म का उपहास भी नहीं उड़ाता। उसके लिए राष्ट्रवाद और देशभक्ति सबसे बड़ा एजेंडा है। उसकी सोच रही है कि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, उस पर उसकी सोच राष्ट्रवादी होनी चाहिए। उसे देश के अच्छे और बुरे का ख्याल भी रखना चाहिए। हर मजहब यही बात सिखाता है कि व्यक्ति का देश और उसकी जन्मभूमि सबसे ऊपर होते हैं। आरएसएस चाहता है कि देश के हर व्यक्ति के लिए कानून एक जैसा हो, सबके लिए समान अधिकार हो, अधिकारों की असमानता न हो, क्योंकि ऐसा होने पर व्यक्ति में हीन भावना और द्वेष की भावना पैदा हो जाती है। देश में एक कानून का झंडा और एक ही संविधान होना चाहिए। भाजपा आरएसएस के इसी एजेंडे पर काम कर रही है, जिसमें वह किसी धर्म के लोगों की उपेक्षा नहीं करती। वह सभी को बराबरी का दर्जा देना चाहती है। उसकी सोच सबका साथ सबका विकास की है, पर वोटों की राजनीति इसमें अड़चन पैदा कर रही है। हर धर्म का व्यक्ति समानता के साथ जीने की बात करता है। आरएसएस चाहता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और देश का एक ही झंडा हो, एक ही संविधान हो। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब बनी थी तो वाजपेयी ने इन सब बातों का उल्लेख किया था, पर साथ ही अपनी मजबूरी भी जताई थी। उन्हें अकेले बहुमत नहीं मिला था। जिस दिन बहुमत हासिल होगा उस दिन देश में एक ही संविधान होगा, एक ही झंडा और सभी नागरिकता को समान अधिकार मिलेंगे। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी पहली सरकार, पहला कार्यकाल तो देश के लोगों के साथ तथा विपक्ष को जानने और उन्हें पहचानने में निकल गया। प्रथम काल में हर एजेंडे को लेकर के अध्ययन किया गया। पहले चरण में तीन तलाक पर चोट करते हुए मुस्लिम महिलाओं को आज़ाद करवाया गया। इस मामले को लेकर के मुस्लिम पुरुषों के साथ साथ पूरे विपक्ष ने हाय तोबा मचाई, परंतु मोदी सरकार ने एक न सुनी और कानून बनाकर ही दम लिया। इस पर भाजपा ने साफ कर दिया कि देश की हर धर्म की महिला उनके अधिकार हों और हर धर्म की महिला को अपने अधिकार उन्हें मिलने चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले दो तरह का राज था, एक ही देश में दो झंडे और दो संविधान काम कर रहे थे। देश के लिए सबसे बड़ी और कोई जलालत नहीं थी, क्योंकि इससे देश बटा हुआ महसूस होता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि एक ही देश और एक ही झंडा तथा एक ही संविधान हो। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A के नाम पर देश से अलग किया हुआ था। देश में रहकर भी दूसरे के कानून चलते थे।
कांग्रेस वोट की राजनीति के चलते इससे छेड़छाड़ नहीं कर पाए। परंतु जो भी अनुच्छेद 370 और 35 ए की बात करता था तो कांग्रेस उसे मधुमक्खी की तरह और मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने की बात कहकर पीछे हट जाती थी या फिर उसे पीछे हटा लेती थी। यानी कांग्रेस की इच्छा शक्ति का अभाव था। वोट की खातिर वह मौन रहती थी। परंतु अगर बात करें मोदी सरकार की तो दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले जम्मू कश्मीर से एक ही झटके में अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटा दिया गया और हटाकर उसे विशेष राज्य का दर्जा अपने आप छीन गया और दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना करके एक ही नहीं बल्कि इतिहास रच दिया। आज देश में यानी पूरे देश में एक ही झंडा है और एक ही संविधान का राज है। कांग्रेस जिस खून खराबे की बात करती थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और न ही कांग्रेस को ऐसा करने की इजाज़त दी गई। देश में किसी भी प्रकार का दंगा भी नहीं हुआ क्योंकि सारा देश ये चाहता था कि ऐसा हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जाए। परंतु कुछ राजनीतिक दलों और राजनीतिक स्वरूप के लोगों द्वारा ये सब फैलाया जाता था कि बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा, देश सैकड़ों साल पीछे चला जाएगा, युद्ध हो सकते हैं। परंतु मोदी सरकार की इच्छा शक्ति के आगे कुछ भी नहीं रुका, यानी सब काम अपने आप होते चले गए। इस दौरान मुसलमान भाइयों को भी लगने लगा कि आरएसएस और भाजपा उनके विरोधी नहीं हैं, वह पूरे देश के लोगों की भलाई के बारे में सोचती है। पर धर्म की राजनीति करने वाले भाजपा और आरएसएस के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में पेश किए जाते हैं। धीरे धीरे मुसलमानों की आंखों पर पड़ी हुई धूल भी हटती चली गई। उन्हें यह लगने लगा कि भाजपा ही एक ऐसा पार्टी है जो उनका भला कर सकती है। दूसरे राजनीतिक दलों ने वोट की खातिर उनका इस्तेमाल किया। आज हर मुस्लिम अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा देना चाहता है। वह जानता है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो उनके बच्चों का भला कर सकती है। शिक्षा ही देश का विकास कर सकती है जिनसे जम्मू कश्मीर हमेशा पिछड़ा रहा, क्योंकि अलग राज्य का दर्जा होने के कारण वहाँ पर भारत के संविधान के मुताबिक कोई भी योजनाएं नहीं फल फूल रही थी। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी माध्यम होती है जिससे देश का विकास संभव होता है। अनपढ़ता केवल कट्टरवाद को जन्म देती है। वही राम मंदिर का मुद्दा भी देश का सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ था, जिसके नाम पर सांप्रदायिक दंगे हुए। दंगों का भय हर एक इंसान को सकते में रखता था, परंतु राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी आसानी से निपटा दिया। इससे न केवल दोनों पक्ष खुश हैं बल्कि पूरे देश में आपसी भाईचारे का संदेश भी गया। मुस्लिम पक्ष की ओर से मामले की पैरवी करने वाले भी खुश हैं। पर धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के पेट में आज भी दर्द होता है। दोनों ही धर्म के लोगों को सद्भावना का परिचय दिया और देश में शांति बनी रही। अगर पूरे देश में इस तरह का भाईचारा बना रहा तो देश में और देश पूरे विश्व के अंदर विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी सम्मान किया। इतना ही नहीं बल्कि मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की। इसके अलावा भाजपा अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना काम कर सकती है। देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इससे देश की भावना खत्म हो जाएगी। धर्म के नाम पर संविधान का निर्माण नहीं हुआ, देश की अखंडता एकता के लिए संविधान का निर्माण हुआ, जिसके हर एक नागरिक के अपने अधिकार चिन्हित किए गए हैं। आज देश में दोहरे नियम और कानून हैं। कुछ एक धर्म के अलग कानून हैं और कुछ के लिए अलग। एक ही देश के नागरिकों के साथ और समान अधिकार होने चाहिए। देश का संविधान और देश का हर कानून हर व्यक्ति के लिए समान होना चाहिए। इसके बाद आता है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कानून बनाया जा सकता है। देश की जनसंख्या की गति जिस प्रकार से बढ़ रही है वह सबसे बड़ी समस्या और कई संकटों को पैदा कर रही है। जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वह सुविधाओं में बंटवारा कर रही है, क्योंकि इससे किसी की भी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही।
अगर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो पूरे देश में सोमालिया जैसी भुखमरी पैदा हो सकती है। भाजपा देश के हर उस नासूर को मिटाना चाहती है जो देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करता है। आज विपक्ष और भाजपा विरोधी मानसिकता वाले लोग एक ही बात का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं कि भाजपा देश को हिंदूवाद की ओर ले जा रही है। कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। जिस देश में हर धर्म के लोग रहते हों, मुसलमानों की संख्या पाकिस्तान की संख्या से भी ज़्यादा है, वहाँ एक ही धर्म के नाम पर राष्ट्र कैसे बन सकता है। भारत ही एक मात्र ऐसा दुनिया का देश है जहाँ अल्पसंख्यकों को सबसे ज़्यादा अधिकार मिले हुए हैं। किसी भी दूसरे देश में जाकर के वहाँ के अल्पसंख्यकों के बारे में पूछो तो पता चल जाएगा कि कैसी जिंदगी वे जी रहे हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के बारे में पूछो तो वहाँ पता आपको चल जाएगा कि वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। मीडिया की खबरों से भी पता चल जाता है, अल्पसंख्यकों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर भी किया जाता है। भारत में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जा सकता है। भाजपा इस एजेंडे पर काम भी कर रही है। भाजपा के लिए राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है। वह चाहती है कि हर देश के नागरिक को अपने देश में प्रेम जरूर करना चाहिए। अगर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट भी मांगे जाते हैं तो भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि धर्म के नाम पर और बंटवारे के नाम पर अगर वोट मांगे जाते हैं तो वोट राष्ट्र को तोड़ने वाली बात होती है। आपको बता दें कि जिस देश की जनता राष्ट्रभक्त हो वह देश किसी भी मामले में विश्व के अन्य देशों से नहीं पिछड़ सकता, और न ही वहाँ का कोई भी बच्चा बच्चा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर सकता है। देश में चाहे कितने भी धर्म हो, किसी भी प्रकार के धर्म का बोलबाला हो और कितने भी लोग रहते हों, पर देश से प्रेम करने वाले हों तो देश में शायद कट्टरता न हो, लड़ाई झगड़े न हो। आपको ये सोच करके न सोना पड़े कि न जाने कल हो न हो, कहीं युद्ध ना हो जाए, कहीं बड़े झगड़े न हो। जहाँ राष्ट्रभक्ति और प्रेम होता है वहाँ इन सब के लिए कोई जगह नहीं। देशभक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जो आप सबको जोड़ सकती है। हम इस वीडियो के माध्यम से किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे हैं, बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पित विचारधारा की बात कर रहे हैं। देश में आपने 70 सालों से अलग अलग विचारधाराएं भी देखी, उनके साथ होती राजनीति और वोटों की राजनीति भी देखी, परंतु देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देशभक्ति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और देशभक्ति जैसा काम भी हो रहा है और होना भी चाहिए। आप देख रहे हैं पर्पल की एक खास रिपोर्ट।